के बारे में जानेंगे, कैसे हम अपने पाई कॉइंस को टेस्ट नेट से मेन नेट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे और कौन से ऐसे 5 रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप पाई कॉइन माइन करते हो। और दोस्तों, अभी तक आपने पाई कॉइन माइन करना स्टार्ट नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। पाई कॉइन का डाउनलोड लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही में रेफर कोड भी दिया है, तो आज ही से अपना पाई माइनिंग का जर्नी स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि मेन नेट के ऊपर कैसे स्विच करना है और वो 5 रूल्स कौन से हैं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको यहाँ पर माइन किए हुए कॉइन्स नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पाई कॉइन का टोटल सप्लाई कितना है और मेरे अकॉर्डिंग रियलिटी में इसकी प्राइस कितनी हो सकती है लॉन्चिंग की। कोई इसे $10 बोल रहा है, कोई इसे $100 और कोई इसे $1। मेरे हिसाब से कितनी होगी इसका सप्लाई देख के, सारे फंडामेंटल्स देख के मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर जो रियल फैक्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये रहा पाई एप्लीकेशन, इसके अंदर हम माइन करते हैं एंड यहाँ पर हम दोस्तों को रेफर करके अपनी माइनिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ये रही दोस्तों इसकी कुछ बेसिक बातें। अब आप यहाँ पर ऑलरेडी यूजर्स हो तो आपको सब पता ही है, तो हम बात करेंगे मेन नेट। तो मेन नेट क्या है सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेन नेट में क्या है दोस्तों, हम जो कर रहे हैं वो टेस्ट नेट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमारे कॉइन जो है वो अप्रूव नहीं हो चुके हैं, हम यहाँ पर टेस्ट नेट के ऊपर माइनिंग करेंगे और वो जो कॉइन्स होंगे वो मेन नेट के ऊपर ट्रांसफर होंगे, तब वहां पर हमारे कॉइन जो है वो रियल हो जाएंगे एंड उनसे हम कुछ भी बाय सेल कर सकते हैं। और मेन नेट के ऊपर अपने कॉइन ट्रांसफर करने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पर मेन नेट इन्फो जो लिखा है उसके ऊपर हम टैप करते हैं। उसके ऊपर टैप करने के बाद ऊपर आप देख सकते हो बैलेंस डैशबोर्ड, यहाँ पर जो येलो कलर में दिख रहा है वो जो है कॉइन्स वो अनवेरीफाइड है। और जो मेरे वेरीफाइड कॉइन है, ऐसे कॉइन जिन्हें मैं इजिली अपने वॉलेट से, मतलब यहाँ पर पाई कॉइन का जो माइनिंग सिस्टम है उससे मैं अपने पाई वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकूं, तो वहां पर आप देख सकते हो लगभग 2000 ऐसे कॉइन्स है जो कि मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, अभी वो अनवेरीफाइड है। और ये वेरीफाइड कैसे होंगे ये भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर जो दूसरा लिखा है दोस्तों ट्रांसफरेबल बैलेंस, तो वहां पर जो कॉइन्स है दोस्तों लगभग 400 कॉइन्स है, तो वो जो कॉइन है वो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ मेरे पाई वॉलेट के अंदर और जैसे ये लॉन्च होता है वैसे मैं यहाँ पर इसे सेल कर सकता हूँ या फिर मैं इसे ब्लैक मार्केट में भी सेल कर सकता हूँ। तो मेननेट की कुछ चेकलिस्ट है दोस्तों, उसके अंदर आपको डाउनलोड पाई ब्राउजर, हमारे कॉइन वेरीफाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पाई ब्राउजर डाउनलोड करना होगा। ये ब्राउजर आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पर जो दिख रहा है डाउनलोड पाई ब्राउजर, आप अगर उस एरो के ऊपर टैप करते हो तो ये सीधा प्ले स्टोर के अंदर खुल जाएगा एंड वहां से आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद जो अगला टास्क आपके सामने होगा वो होगा क्रिएट अ पाई वॉलेट। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, एक पाई वॉलेट बनाना है जो कि आपने जो माइन किए कॉइन वो आपको पाई वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर करने है। तो यहाँ पर जो दोस्तों लिखा है क्रिएट अ पाई वॉलेट, तो अगर हम पाई वॉलेट के ऊपर टैप कर देते हैं तो हम चले जाएंगे ब्राउजर के अंदर और ब्राउजर के अंदर हमें वॉलेट का जो ऑप्शन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो वॉलेट के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो बिल्कुल ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जैसे हम वॉलेट क्रिएट करते हैं उस तरह से यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करना है और उसका रिकवरी कीज, यानी कि अगर आपने वो खो दिया तो आपके जो कॉइन है आप उन्हें कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों इसके अंदर जो रिकवर कीज मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे वॉलेट क्रिएट करना है, कैसे रिकवरी की संभाल के रखनी है, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक वॉलेट बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से वॉलेट बनाना है। इसी के अंदर बनाकर दिखाता लेकिन वीडियो काफी लंबा होता, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो लाया है। दोस्तों एक और नया माइनिंग ऐप आया है तो एक ब्रेक लेकर उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और ये जो माइनिंग ऐप है वो खुद हमने क्रिएट किया है हमारी टीम ने। और दोस्तों यहाँ पर हमने जो मिनिमम विड्रॉल रखा है वो सिर्फ 10 कॉइन का रखा है और यहाँ पर आप इजीली हर महीने के अंदर 25 से 30 कॉइन अर्न कर सकते हो और इन्हें मार्केट के ऊपर बेच सकते हो। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर हम चाहते हैं कि लोग घर बैठे अर्निंग करें, घर बैठे क्रिप्टो करेंसी कमाए और उसके जरिए अमीर बने। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट के ऊपर जरूर विजिट करना, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना, उस ऐप और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आपने यहाँ पर वॉलेट क्रिएट किया एंड अपनी रिकवरी स्कीम बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखी तो आपका काम यहाँ पर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार उसी पाई ऐप के ऊपर चले जाना है। अब देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन यहाँ पर कंफर्म योर पाई वॉलेट, तो यही बात है दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना वॉलेट कंफर्म नहीं किया एंड इसीलिए मैं अपने कॉइन जो है वो मेननेट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता। और ये कंफर्म करना बहुत इजी है, एक मिनट के अंदर हो जाता है, बट आपको
तभी वॉलेट कंफर्म करना है जब आपके पास रिकवरी कीज हो एंड आपको पता हो कि मैंने इसे अच्छी तरह से सेफ रखा है, क्योंकि कल को आप माइन भी कर लोगे और रिकवरी कीज को मिस कर दोगे तो आपके कॉइन जो है वो कभी रिकवर नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों यहां पर वॉलेट को कंफर्म करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपने यहां पर जो कॉइन्स क्लेम किए हैं, जो जिस वॉलेट में रखे हैं उसका रिकवरी कीज अच्छे से संभाल के रखा है एंड उसी वॉलेट को आपको यहां पर कंफर्म करना है। और दोस्तों अगर नहीं जम रहा तो नीचे कमेंट कीजिए आई वांट वीडियो, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। अब दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है कमिट टू लॉकअप। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमारे कॉइन्स जो है वो एक तरह से स्टेकिंग के ऊपर लगाने हैं और मिनिमम जो स्टेकिंग होगी वो 2 वीक से लेकर 3 साल तक चलेगी। बट यहां पर सोच समझ के लगाना, जो 232 दिख रहा है 3 साल के लिए, अगर मैं 50% सप्लाई लगाता हूं तो मुझे 232% का रिटर्न मिलेगा, यानी मेरे कॉइन्स यहां पर डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। तो यहां पर अपना लॉकअप सिस्टम कमिट करना, सोच समझ के करना, क्योंकि एक बार आपने रख दिया तो उसे आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से स्टेप पूरे करने के बाद यहाँ पर आपको केवाईसी के लिए अप्लाई करना है। अगर केवाईसी करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को देखकर आप अपनी केवाईसी पूरी कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 7वां ऑप्शन है वो बहुत ही जरूरी है एंड वही है दोस्तों माइग्रेट टू मेननेट। अगर आपने ऊपर के दिए हुए सारे बॉक्सेस फिल कर दिए, सारे टर्म एंड कंडीशन, तो यहाँ पर आप मेननेट के ऊपर अपने कॉइन्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, यानी माइग्रेट कर सकते हो, और यहाँ पर आप ब्लैक मार्केट में भी बेच सकते हो अगर आपने अर्ली स्टेज के ऊपर माइग्रेट कर लिए मेननेट के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने कॉइन्स जो है वो अनलॉक कर सकते हो। अगले वीडियो के अंदर मैं खुद यहाँ पर आपको कॉइन्स जो होते हैं वो मेननेट के ऊपर ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, वॉलेट बनाकर दिखाऊंगा। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि लिस्टिंग प्राइस क्या होगी इसकी। तो लिस्टिंग प्राइस जानने से पहले हमें एक जरूरी चीज जाननी पड़ेगी, वो है इसका टोटल सप्लाई, क्योंकि टोटल सप्लाई ही डिसाइड करता है दोस्तों कि किसी कॉइन का प्राइस यहाँ पर कितना हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो टोटल सप्लाई मुझे यहाँ पर समझ में आया वो अराउंड यहाँ पर 10,000 करोड़ है। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अब 10,000 करोड़ का जो सप्लाई है कोई छोटा मोटा सप्लाई नहीं है। अगर एक कॉइन की कीमत 1 रुपए भी लगा दे तो टोटल वैल्यूएशन जो निकलता है वो 10,000 करोड़ का निकलता है, और इतनी नेटवर्क तो इनको बनाने वाले निकोलस सर की भी नहीं है। तो क्या ये 1 रुपए को भी जस्टिफाई करता है? तो यहाँ पर जवाब ये आता है कि इनके जो कॉइन्स है वो लॉकअप होंगे, बहुत ही कम कॉइन यहाँ पर मार्केट में आएंगे। तब भी दोस्तों यहाँ पर अगर हम 30-30, 40-40 टका निकाल भी दे तब भी 5,000 करोड़ सप्लाई आता है, तो इसका मार्केट क्या 5,000 करोड़ बनेगा? बन भी सकता है दोस्तों, बट यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। जैसे कि ये कॉइन जैसे लिस्ट होगा, मान लीजिए ये लिस्ट हुआ तो हम सब ने माइन किया है, हम सब यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने कॉइन बेचना चाहेंगे, तो उल्टा प्राइस जो है दोस्तों वो डाउन चला जाएगा, ना कि अप जाएगा। और सभी को पता है कि ये माइनिंग के बाद फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, तो नए इन्वेस्टर इसके अंदर बाय नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग अभी प्रॉफिट में है, वो बेचेंगे कॉइन्स, तो वो वेट करेंगे कि इसके अंदर बड़ा डंप आए। तो ये लॉन्च जो होगा दोस्तों मेरे ख्याल से 10 रुपए के भी नीचे के लेवल पर लॉन्च हो सकता है, और उसके बाद में बहुत बड़ा डंप आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ये $10 को भी हो तो भी ये गिरकर 1 रुपए तक ही आएगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अभी वो जो वैल्यू है वो पाई कॉइन को नहीं मिलेगी, हाँ इनके फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही अच्छे है, और उस वजह से दोस्तों पाई कॉइन जो है आने वाले टाइम पर $100 क्या, ये तो $1,000 भी चला जा सकता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े इसके माइनर्स है एंड बहुत ज्यादा इसके होल्डर्स है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो होगा आपको, हमें आपको प्रॉफिट होगा, बट अर्ली स्टेज के ऊपर ज्वाइनिंग जैसे लॉन्च होगा वैसे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको यहाँ पर लॉन्च होने के बाद 1 से 1.5 साल रुकना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ ऐसी अमाउंट मिलेगी जिससे कि हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो, मतलब कि 10 लाख 20 लाख या एटलीस्ट 1 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पर मिल जाए। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, $1 की जगह पे ये $100 लॉन्च हो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में ही होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे इंस्टा का लिंक दिया है, वहां पर आइए मुझसे बात कीजिए, या नीचे कमेंट भी कर सकते हो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।